Please, sit down. How are you, Archana? तू कैसा है पहले बता। मैं बहुत handsome हूँ, आप बताइए कैसी हैं आप। मैं भी बहुत handsome हूँ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। सोचो, जब कोई महिला अपने हाथ से ही पुरुष को सफल बना सकती है, तो अगर वो महिला खुद सफल होने की ठान ले तो उसे कौन रोक सकता है। बिल्कुल। आज की हमारी जो मेहमान है वो ऐसी ही सफल महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ, आप उनको बाखूबी जानते हैं। ये एक्टर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। प्लीज वेलकम रवीना टंडन। हेलो रवीना जी, वेलकम वेलकम वेलकम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। I'm good. जोरदार तालियां हो जाए रवीना जी के लिए। इनको जब पता चला ना अर्चना जी को आप आ रही, ये बड़ी खुश हुई। इन्होंने मुझे कहा कि रवीना ने मुझे मोटिवेशन दिया, क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा आप ही एक बार सिद्धू जी की कुर्सी पे बैठी थी। हाँ। तो ये कह रही थी ये तो एक बार बैठ के उठ गई कि मैं नहीं उठने वाली। कुर्सी कुर्सी की टेंशन लेनी चाहिए। उस दिन प्रोडक्शन वाले को खामखा पीट दिया आपने। वो बेचारा कपड़ा मार रहा था कुर्सी पे, ऊपर ही जाके बैठ गई उसके। कहता मैडम मैं तो कपड़ा मार रहा हूँ, मैं कौन सा मिट्टी डालती हूँ कुर्सी पे, इतना नहीं टेंशन लेते हैं। तू जो विजुअल्स बनाता ना मेरे दिमाग में कि मैं उसके ऊपर ही बैठ गई। कसम से पूरा एपिसोड निकाला, वो ऐसे ही रहा थी, ऊपर बैठी नहीं है। अच्छा, मैं रवीना जी के बारे में बता दूं कि आप इनको बतौर एक्टर ही जानते हैं, लेकिन ये बहुत सारे सोशल वर्क भी करती हैं। ये महाराष्ट्र की वाइल्ड लाइफ गुडविल एम्बेसडर भी हैं। इन्होंने कुछ साल पहले एक लेपर्ड को अडॉप्ट भी किया था। वाओ। रवीना जी, आप देखने जाते हैं लेपर्ड कितना बड़ा हो गया, कैसी संगत में है, इधर उधर कहीं किसी लेपड़ी के चक्कर में लीपा पपड़ी तो नहीं हो रही, ये मतलब आप ध्यान रखती हैं? अगर लेपड़ी के चक्कर में पड़ेगा तो अच्छा है ना, संख्या बढ़ेगी हमारे। हाँ, ये तो है। तो ये तो बल्कि हमें लेपड़ी की परेड करनी चाहिए उसके सामने। हाँ। नहीं, लेकिन आपने हाथ में रवीना जी ये भी बनाया, ये टैटू जो है। हाँ जी, ये उसके पाँव होते हैं। हाँ जी, और स्वीट, ये शेरनी के पाँव है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप सब अर्चना जी को भी बतौर एक्टर ही जानते हैं, लेकिन ये भी मड आइलैंड में जो मगरमच्छ होते हैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। इन्होंने सारे मगरमच्छों को बोल रखा कि तुम अगर दिन में 100 मछलियां पकड़ते हो तो 10 मुझे दोगे, 10% लेती हैं। आपको पता है मगरमच्छों में तो कहावत बड़ी पॉपुलर है कि मड में रह के अर्चना से बैर। आइए प्लीज विराजमान हो जाए, जोरदार तालियां रवीना जी के लिए। और अब वक्त है आज की हमारी दूसरी मेहमान को यहाँ पे आमंत्रित करने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑस्कर विनर प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा कपूर। वेलकम गुनीत, वेलकम 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 वेलकम, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अभी हाल ही में आपने तमाम न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि इन्होंने अभी एलिफेंट डिस्प्रेस के लिए ऑस्कर जीता है। बहुत प्राउड है आपकी इस अचीवमेंट पे गुनीत जी, और आपको बहुत बहुत मुबारकें। अच्छा, सारा देश सुबह 5 बजे उठ के आपको टीवी पे लाइव देख रहा था, आप तो वहां पे मौजूद थी खुद साक्षात, क्या माहौल था वहां का गुनीत? काफी टेंस था, क्योंकि हमारी पिक्चर का नाम है द एलिफेंट विस्परर। हाँ। और हमारी कॉम्पिटिशन में एक और थी द। अच्छा, वो द पे अटक गए, वो जो एक सेकंड था ना उसमें जान निकल गई थी, उसमें पूरा पूरी मुझे अपनी जिंदगी दिख गई थी उस द में। आगे बोल ले द के आगे क्या है? द के आगे हमें या दूसरी वाली पिक्चर है, सो द एलिफेंट विस्परर्स। इट वाज क्वाइट क्वाइट स्ट्रेसफुल। थैंक यू थैंक यू। आपके तो बड़ी बधाइयां बनती हैं, एक तो ऑस्कर की बधाइयां, और अभी भी इनकी शादी हुई है अभी 12 दिसंबर को। गुनीत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। सेम मैरिज एनिवर्सरी। हाँ, हमारी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू, आपका इनविटेशन इतना ब्यूटीफुल था ना। हाँ। तो मेरी उस दिन खुद एनिवर्सरी थी, और वो पंजीरी मैंने सारी खाई, मैंने किसी को दी भी नहीं। हाँ, लग रहा है। और ढेर सारी मुबारकबाद। हाँ, लग रहा है तो फिर क्या, नहीं खाएं आपको दे दे। तालियां स्पेशल बनती हैं, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान के इरादे पक्के हों तो वो किसी भी ऊंचाई को छू के द कपिल शर्मा शो में आ सकता है। आइए आप। So nice to see you here. अच्छा, आपने ये साड़ी भी कितनी प्यार, वाओ, अच्छा, ये आपने खुद बनवाई है ना साड़ी ऐसी? हाँ जी। नहीं, बहुत डिजर्व करती हैं आप। मैं मॉडल कर देती हूँ ना। ओह वाओ, थैंक यू।
उर्वशी है जिन्होंने पेंट किया है। और ये मजेदार इस साड़ी की खूबसूरत बात ये है कि बनाए उसने दो ही आती हैं, वो चल चल के इधर उधर जाते रहते हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, बताओ गुनीत इनको मान नहीं रही, सीरियसली इट्स अ 3D 4D इफेक्ट। गुनीत जब आप ट्रॉफी लेके आई ऑस्कर की इंडिया में, तो जब आपके रिश्तेदार आपसे मिले तो पहले आपके साथ फोटो ले रहे थे कि ट्रॉफी के साथ? ट्रॉफी के साथ ही। ट्रॉफी मुझे लगता कोई भी मेरे साथ लेना चाहता है, सब लोग ये दे दो मतलब। पर आप नहीं होती तो ट्रॉफी कैसे आती यार, वाह थैंक यू। अच्छा गुनीत ने 2010 में स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड शॉर्ट फिल्म जो है कभी वो प्रोड्यूस की थी जी, और फिर 2018 में एकेडमी अवार्ड विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस की ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी। तालियां बनती है इस बात के लिए। थैंक यू। अच्छा आपको ऑस्कर का इतना अनुभव है जी, आपको और फिल्म इंडस्ट्री से लोगों का फोन आता है कि ऑस्कर की रेसिपी तो हमें बता दो, कितना हाथी डालना है, कौन से जंगल में जाएं, लोगों के फोन आते हैं आपको ऐसे? मतलब ऑफ कोर्स सब बहुत पूछते हैं कि कैसे किया, कैसे होगा एंड हम कैसे करें। कुछ एक है मतलब जरूरी है कुछ चीजें, एंड एटलीस्ट आपके शो के माध्यम से मैं सबको एक बार में बता सकती हूँ जी, क्योंकि सब देख रहे होंगे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव यूएस डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां से वो शुरुआत होती है। अच्छा रवीना जी, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है जी, आप अभी ऑस्कर लेके आई हैं, तो ये जनता जानना चाहती थी कि जब आप एयरपोर्ट पे जाती हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है कि अवार्ड दिखा के निकल जाती हैं आप? मेरा ना ये पूरा ना ब्लैक कलर का वैसा बनकर आ जाता है, मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं। अच्छा जी, इट्स क्वाइट नाइस, जितना मर्जी उसको लपेट लो वो पूरी शेप उसकी बनकर आ जाती है एक्सरे में, और हर बार निकाल के दिखाना। अच्छा, तो मैंने बोला ऑस्कर है, हाँ हाँ देखना निकाल के दिखाओ। मैंने बोला सर बड़ा पैक, अरे निकाल के दिखाओ हमें देखना है क्या है, एंड देन सब फोटो लेते हैं उसके साथ। तो फिर मैं फिर उसके बाद आगे मुझे जाने की परमिशन मिलती है। तो दोस्तों सिलसिला अभी रुका नहीं है, अब वक्त है आज की एक और बहुत ही खास मेहमान को मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम एजुकेशनिस्ट, ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट, पद्म भूषण मिसेस सुधा मूर्ति। सुधा जी नमस्कार, प्रणाम 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 प्रणाम, आइए आइए, जोरदार तालियां हो जाए सुधा जी के लिए। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद धन्यवाद, और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। मेरे दोस्त हैं जो हमारे शो में को प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अक्षित, इनकी मम्मी कभी नहीं आई हमारे शो पे 3-4 साल से, आज पहली बार आप आ रही हैं तो आपसे मिलने के लिए आई हैं। तो नमस्ते मैडम। नमस्ते। और पद्म भूषण से सुधा जी को सम्मानित किया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सुधा जी के कामों के बारे में क्या बताएं, सुधा जी ने इंफोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और ये एक बेहतरीन ऑथर हैं, इन्होंने कई सारे अनाथालय जो हैं वो शुरू किए, रूरल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये इतनी पावरफुल लेडी हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी झुक के इनके पैर छूते हैं। क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऑनरेबल ऋषि सुनक जी, वो इनके दामाद हैं। मैम एक बात बताइए, आप जब कभी यूके जाती हैं तो आपको वीजा लेना पड़ता है कि शादी का कार्ड दिखा देती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वीजा तो लेना चाहिए नहीं। और लेती हूँ मैं, और एक बार मैं गई थी और रेसिडेंस एड्रेस पूछा था, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपकी हिंदी, ओके टाइप है, ओके टाइप। इनकी हिंदी भी अच्छी है, इनकी मराठी भी अच्छी है, इनकी कन्नड़ भी अच्छी है, मल्टीलिंगुअल है, अच्छा। उस समय वो एड्रेस पूछा, वेयर आर यू स्टेइंग इन लंदन, मेरी दीदी थी मेरे पास बराबर, और मैंने लिखा 10 Downing Street। नहीं मैं सोच रही थी क्या लिखूँ, क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, मेरा सन भी उधर ही रहता है, मेरा बेटा भी, उसका एड्रेस मुझे बाय हार्ट नहीं था, इसीलिए मैं 10 Downing Street लिखूँ क्या नहीं उससे पूछ रही थी, और बाद में लिखा 10 Downing Street। वो दैट फेलो लुक्ड एट मी एंड सेड आर यू जोकिंग, हमने बोला नहीं सच्ची बोलती हूँ 10 Downing Street। उनको ऐसा लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, कि किसी को नहीं पता लगता है कि मैं ऐसी हूँ, 72 years old lady हूँ और सिंपल हूँ, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर की सास नहीं बन सकती हूँ ऐसा लगा। मैम आपको
एक बार आप जब फ्लाइट पर जा रही थी कहीं अब्रॉड तो दो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स ने आप लेडीज ने आपको ये भी कहा था कि आप वो इकोनॉमी वाली लाइन में जाइए ये आपकी जगह नहीं है, है ना। एक बार मैं हीथ्रो में अभी नहीं दो साल चार पाँच साल पहले हीथ्रो एयरपोर्ट में थी, मैं सलवार कमीज पहनी थी और बिजनेस क्लास का टिकट था मेरे पास, वो क्यू में खड़ी थी। उनको लगा इफ़ यू वेयर ए साड़ी, आप साड़ी पहन लिया तो, नहीं तो सलवार कमीज पहन लिया तो ये दीदी है बहन जी है, इसीलिए तो बोल दिया कि बहन जी ये आपका नहीं है टिकट का क्यों, उधर है ना इकोनॉमी उधर ठहरना चाहिए। मैंने सोचा जरा मजाक कर ले, आपसे सीखा है हमने। आप तो गुरु है इसमें। अरे इसीलिए मैंने बोला नहीं मैं इधर खड़े रहती हूँ। वो बता दिया कि तुमको मालूम है बिजनेस क्लास टिकट कितनी कितना महंगा होता है। हाँ। कितने एडवांटेजेस है और दोनों बात करते थे, हमने ऐसे ही चुप रहे। हाँ। वो बोल दिया हिंदी में, हिंदी में बोलते थे बाद में बोला इंग्लिश में बोलना शुरू किया, अरे कैटल क्लास लोग है, कैटल क्लास उनको क्या पता है इकोनॉमी के लोगों को, बिजनेस क्लास माने अभी एयर होस्टेस आ जाती है बाद में वो क्यों चेंज करती है, लेकिन एयर होस्टेस आ गई वो मुझे अंदर छोड़ दिया और मैं जाके उनको पूछ लिया। मैंने बोला व्हाट इज कैटल क्लास, क्लास ए ऐसा नहीं डिफाइन होता है कि आपके पास पैसे हैं आप क्लास होते हैं। अभी इंडिया को इतना सम्मान लाया है मंजुल भार्गव, ग्रेट मैथमेटिशियन है। yes. वो क्लास लोग होते हैं, मदर थेरेसा क्लास होते हैं, अभी हमारे ए क्लास लोग होते हैं और हंसी मजाक में आप क्लास है। और एक्टिंग में हमारा रवीना जी है, क्लास माने आपके काम में श्रद्धा रख के अच्छा काम करते हैं ना वो क्लास लोग होते हैं, पैसे में नहीं है। इकोनॉमी क्लास माने क्लास कम क्लास ऐसा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।